पवार साहब ने एक ही सेंटेंस जब भी खत्म हो गया था कहा कि मैंने मेरे 55 साल के जिंदगी में इस प्रकार की स्थिति कभी देखी नहीं। ये सबका कहना है, आपको मार्शल्स को बुलाना पड़ा। अभी मार्शल कहे या आपके भाड़े के कट्टू कहे, जो सांसदों के ऊपर छोड़ने के लिए आपने यहां लाए थे, क्या मांग थी? मांग इतनी थी कल कि जो जनरल इंश्योरेंस वाला जो बिल है वो तय हुआ था कि कल हम पेश नहीं करेंगे, आज करेंगे, क्योंकि ओबीसी वाला बिल सर्वसहमति से 5 घंटा चर्चा करके हमने मंजूर किया था। खरगे साहब से बात हो गई थी, लीडर ऑफ द हाउस की, मेरे हिसाब से कि कल करेंगे। फिर भी वो बिल जिस तरह से लाया गया वो ठीक नहीं था, लोगों का गुस्सा था। वेल में आना उनका अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पहले आते थे जब हम अपोजिशन में थे, आज भी आते हैं। तो आपने मार्शल को बुलाया, आप कितनी फौज, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर हम खड़े हैं, ऐसे बॉर्डर खाली फेंसिंग लगाना बाकी था बस, और बंदूकें लाना बाकी था। क्या आप हमको डराना चाहते हैं? अभी हम सब लोग खरगे जी के चेंबर में मिल रहे हैं वापस, शरद पवार साहब भी आ रहे हैं और भी नेता बड़े बड़े आ रहे हैं हमारे साथ, हम तय करेंगे क्या करना है। ABP सोचा, जोश जज्बा जुनून।